हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, तो तेल भी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं दाने भी तड़कने लगे हैं। अब इसमें हम 5-6 कड़ी पत्ता डाल देंगे, तो कड़ी पत्ता भी चटकने लगा है। 2 खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, अब साथ ही में हम 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को चलाते हुए भून लेंगे। तो हरी मिर्च भी भून गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही में 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो सभी को चलाते हुए भून लेंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो प्याज भी हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब ये मैंने 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली दानों को मैंने रोस्ट करके इनका छिलका उतार लिया है और दरदरा कूट लिया है। तो दाने भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसालों को 1-2 मिनट तक चलाते हुए पका देंगे। तो सभी मसाले भून चुके हैं। अब ये मैंने 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार कर मिक्स कर लिया है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस तरह से डोसे के लिए इस तरह की फिलिंग जरूर बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगती है। जो बड़े आलू होंगे उन्हें हम छोटे कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू के बड़े टुकड़ों को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले की जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। अब इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। 1 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा लेंगे। तो डोसे की स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। तो कैसी लगी आपको डोसे की स्टफिंग की ये रेसिपी? तो डोसे की गर्मा गर्म स्टफिंग बनकर तैयार है। जब कभी भी आप डोसे बनाएं तो इस तरह की स्टफिंग जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।